आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल में इफ फंक्शन, फॉर फंक्शन और एंड फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं, और उस फंक्शन के सारे सिंटेक्स को सीखेंगे, और डेटाबेस पे किस तरह से इफ एंड और का यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। आज हम लोग इफ फंक्शन को जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास किया था, इंट्रोडक्शन क्लास, ये वाला मैंने शेयर कर चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, जिसने देखा नहीं वो देख लेना। डे वन का क्लास हम लोग का हो चुका है। फंक्शन क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, सम फंक्शन कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हमारा एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, उस सबको हमने आराम से सीखा था। तो आज हम लोग इफ फंक्शन को जानेंगे। इफ फंक्शन का काम कंडीशन के केस में होता है। जब भी कंडीशन रहता है मेरे पास, दो या उससे ज्यादा कंडीशन जब भी रहेगा, तो हम इफ फंक्शन यूज करेंगे। सिंपल इफ हमारा दो कंडीशन के ऊपर लगता है, नेस्ट इफ हमारा बहुत सारा कंडीशन जब रहता है तो हमारा नेस्ट इफ लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट मैं ले रहा हूं। अगर यहाँ टेस्ट मेरा दिया गया है कि अगर यहाँ पर वन आता है तो ये ऑन हो जाए, और अगर यहाँ जीरो आता है टेस्ट तो वो ऑफ हो जाए रिजल्ट। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया ताकि मुझे ये ऑन और ऑफ हो रहा है, इसके लिए हमने इफ फंक्शन को लगाया। अभी चलो मैं यहाँ पे एक बार लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये होगा टेस्ट, यहाँ पे होगा ये। चलो अभी मैं यहाँ पे जीरो लिख के रखता हूँ, और आपका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, इक्वल टू इफ। इफ क्या बोलता है, चेक वेदर कंडीशन इज मेट, रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। एक वैल्यू ट्रू हो और एक वैल्यू फॉल्स हो, इस तरह का कंडीशन को वो इफ फंक्शन हमें सॉल्व करके देता है। ठीक है, ओके, चलो। हाँ, जैसे कि इफ फंक्शन को हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें जानना होगा, अगर मैं यहाँ पे जीरो दे रहा हूँ तो वो रिजल्ट मुझे क्या दे, जीरो दे रहा हूँ तो वो मुझे रिजल्ट दे दे ऑफ, और वैल्यू अगर वन आए तो वो रिजल्ट दे दे मुझे ऑन। इस तरह के दो कंडीशन हो गया, या तो मेरा जीरो आएगा या वन आएगा। जीरो आने के कंडीशन में वो ऑफ दिखा दे, वन आने के कंडीशन में वो ऑन दिखा दे। तो सपोज मैंने यहाँ पे अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ इक्वल टू इफ, और टाइप देते ही इसका सिंटेक्स खुल गया, और यहाँ सिंटेक्स बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट किस पर करना है। तो मैं ये वाला सेल जो अभी खाली है यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो इस सेल पर आप टेस्ट करो। ओके, तो वैल्यू बोला कि कंडीशन क्या होगा मेरा, तो मैंने बोला अगर यहां वैल्यू इक्वल टू जीरो आए, देन कॉमा देते हुए वैल्यू इज ट्रू, अगर ये वैल्यू जीरो होता है तो वो ट्रू हो गया, तो मुझे मैसेज क्या दिखे ऑफ, अगर जीरो आता है तो उसका ट्रू वैल्यू है ऑफ दिखाए। अगर वहां जीरो ना आते हुए दूसरा कोई अगर नंबर आता है तो क्या दिखाए, तो जीरो आए तो ऑफ दिखाए, वो ट्रू वैल्यू, ट्रू हमारा स्टेटमेंट है। अगर वो ट्रू नहीं आता है तो बाकी जो भी आए उस कंडीशन में वो ऑन दिखाए। तो मैं तो यहाँ जीरो और वन ही टाइप करने वाला हूं, तो यहाँ पे मेरे लिए ये ऑप्शन आया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को एंटर करता हूँ, तो ऑफ आया क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। चलो जीरो करते हैं तो ऑफ, चलो वन करते हैं
वो ऑन हो गया। तो इस तरह का कंडीशन हमें इफ स्टेटमेंट के साथ बनाना होता है। चलो इसी रिलेटेड एक छोटा सा यहाँ पे मैंने एक डैशबोर्ड में यहाँ पे कुछ एक डाटा फिल करके रखा हूँ, आप उसको देखो थोड़ा ध्यान से। और यहाँ पे क्या दिया गया है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, कि अगर आइटम यहाँ पे कुछ आइटम दिया गया है और यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है और एंट्री रिकॉर्ड हो रहा है, अब यहाँ पे फंक्शन ये लगाना है कि ये रिकॉर्ड जो रिसीव हुआ 10, उसमें से एंट्री इसने कर दिया 9, क्योंकि रिसीव 10 हुआ था उसे एंट्री भी करना था 10, बट इन्होंने एंट्री 9 ही किया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, नॉट ओके मुझे मैसेज दिखाना है। आप राइट रॉन्ग भी दिखा सकते हो या कुछ भी दिखा सकते हो, ये ओके नहीं हुआ, गलत हो गया। तो मैंने यहाँ पे मैसेज एक डिस्प्ले दिखाया कि नॉट ओके, ये ओके नहीं है। चलो इसको कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे ही बना के दिखा देता हूँ। इक्वल टू इफ, अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 10 हो, या तो आप 10 टाइप करें, अदरवाइज आपको इस सेल पर क्लिक कर दे, बेटर रहेगा इसी सेल पर क्लिक करें। इसका वैल्यू के साथ मैच करता है, यदि C2 का वैल्यू बराबर होता है B2 के वैल्यू से, देन डबल कोट के अंदर में लिखे जो भी मैसेज दिखाना चाहते हो, जैसे कि ओके नॉट ओके, राइट रॉन्ग। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूं ओके okay। ठीक है, अगर C2 का वैल्यू ठीक है, C2 का वैल्यू B2 से मैच करता है तो ओके, अगर मैच नहीं करता है तो कॉमा देते हुए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, अगर ये नहीं होता है तो ये ट्रू वैल्यू हो गया, और फॉल्स वैल्यू क्या होगा, नॉट ओके। चलो को एंटर करते हैं तो ये नॉट ओके हो गया, क्योंकि यहाँ रिसीव बुक हुआ था 10, एंट्री हो गया 9, और मेरा जो यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि ये ओके नहीं है। इसको ड्रैग करते ही हमारा सारा यहाँ पे देखो, ये ओके हो गया, ये नॉट ओके हो गया, ये ओके हो गया, देखो जहां जहां वो स्टेटमेंट मिल गया वो ओके दिखा रहा, जहां नहीं मिला वो नॉट, जहां ओके यहाँ 30 रिसीव किया और रिकॉर्ड में उसने 30 ही एंट्री कर दिया तो उसके लिए ओके हो गया। यहाँ पे 40 तो 40 ही रिकॉर्ड किया, 50 तो 50 ही रिकॉर्ड किया, मगर यहाँ 20 रिसीव किया और एक ही एंट्री हुआ, ये तो नॉट ओके। 10 एंट्री रिसीव किया और 9 एंट्री हुआ, ये नॉट। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग इफ फंक्शन के साथ यूज करते हैं। तो होप समझ में आ गया होगा इसको। ठीक है, तो इसका मैं ये व्हाट्सएप में लिंक व्हाट्सएप में मैं डाल देता हूँ, NISTS। ये मैंने डाल दिया, इसको आप लोग बना लेना। अब इसके बाद हम आते हैं एक दूसरा डेटा सेट पे। यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना, किसी को कुछ पूछना है क्या इस रिलेटेड, इफ फंक्शन के रिलेटेड? खबा की बात खुद बोला का आसानी की। ओके देन, इफ और एंड, एक छोटा सा डाटा टेबल मैंने बनाया हुआ है इफ और एंड के लिए, मैं इसे भी दिखाता हूं और इसको इनके बीच में डाल देता हूं। ठीक है, चलो यहां पे डाटा क्या बोल रहा है, यहाँ स्टूडेंट्स का नाम है, यहाँ एज दिया गया है और यहाँ वेट दिया गया है। अब मुझे ये जानना है कि सिलेक्शन अंडर 19, कौन सा स्टूडेंट जो अंडर 19 के लिए सिलेक्ट होता है, कोई गेम हो
इसमें अंडर 19 का एक एज लिमिट दिया गया है, जिसका भी एज 19 या उससे नीचे है वो सेलेक्ट हो जाए, इस तरह का कंडीशन है। तो हमने क्या किया, इफ फंक्शन लगाया। देखिए यहाँ पर सीधा मैं फिर से एक बार लगा के दिखाता हूँ, इक्वल टू इफ टैप, अगर इस स्टूडेंट का एज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि छोटा होना है या बराबर होना है, ठीक है, 19 के, तो वो सिलेक्टेड हो जाए, सिलेक्टेड, अदरवाइज वो नॉट सिलेक्टेड। इस तरह का मैसेज में डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैं एंटर करता हूं, तो ये सिलेक्टेड है क्योंकि इसका एज 18 है। हाँ, तो इसका एज अभी 18 है, तो वो सिलेक्ट होगा। जैसे इसे ड्रैग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये नॉट सिलेक्टेड है क्योंकि इसका एज 21 है, और ये नॉट सिलेक्टेड है क्योंकि इसका एज 25 है। तो इस तरह से हम वापस इस डेटा सीट पर इफ फंक्शन को यूज कर रहे हैं। अब हम और फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। और बोलता है, और फंक्शन का काम होता है या इस सेल पे या इस सेल पे। इफ फंक्शन का एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ एक ही सेल पे बार बार क्लिक करके आप बार बार सर्च कर सकता है, मगर वो दो सेल को कंपेयर नहीं कर पाता। एक सेल में तो वो बार बार आपको सर्च कर पाएगा, मगर वो दो सेल को, इन दो सेल को अगर वो कंपेयर करना चाहे तो इफ फंक्शन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें और फंक्शन का यूज करना होगा, इफ के साथ और फंक्शन। तो सबसे पहले तो और फंक्शन का काम देख लेते हैं, क्या है और का, सिंगल और काम क्या करता है। और फंक्शन काम कर रहा है इक्वल टू और या, ये बाई टू, ठीक है। और पकड़ लीजिए, मैं इसका करता हूं, चलिए इसी का करता हूं, बी टू। ये बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि एज अगर 18 हो या उससे ऊपर हो, या वेट उसका 40 या उससे ऊपर हो, तो वो सिलेक्टेड है। उसका एज या तो एज 18 प्लस हो, या 18 या 18 प्लस हो, या वेट 40 व 40 से प्लस हो, तो वो सिलेक्टेड है। अगर एज उसका 17 है मगर वेट उसका 40 ऊपर है, तो वो भी फिर भी सिलेक्ट होगा। अगर उसका एज 20 है और वेट उसका 35 है, तो भी सिलेक्ट होगा। या तो वो एज मैच करे या तो वेट मैच करे, दोनों में से किसी एक को भी मैच करता है तो वो सिलेक्टेड होता है। इस तरह का कंडीशन है। तो हमने और लगाया, अब बोला कि और या बी टू का वैल्यू 18 हो या उससे बड़ा हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कॉमा सी टू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो स्टेटमेंट क्या हो, और बी टू बड़ा हो बराबर हो 18 के, या सी टू बड़ा हो बराबर हो 40 के, तो स्टेटमेंट ट्रू होता है या फॉल्स होता है। सिंगल और ट्रू या फॉल्स ही दे सकता है, वो आउटपुट नहीं दे सकता। जैसे कि हमने सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड ऐसा मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो और फॉर्मूला सिंगल वो काम नहीं कर पाता। वो स्टेटमेंट को देखता है, ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, उसी को देता है वो। तो सिंगल हम ट्रू फॉल्स तो यहां दिखाना नहीं, यहां तो हमें दिखाना सिलेक्ट या नॉट सिलेक्ट। तो अब इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इफ को ऐड करते हैं, क्योंकि इसका काम है अगर वैल्यू ट्रू होता है तो ट्रू वाला आउटपुट दे, अगर वैल्यू ट्रू नहीं होता है तो फॉल्स वाला आउटपुट दे, जो कि इससे पहले हमने करके दिखाया आप लोगों को यहां पे, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस स्टेटमेंट में ट्रू के जगह में सिलेक्टेड
या नॉट सिलेक्टेड मैसेज डिस्प्ले करना हो तो हमें फिर ऑप्शन दो रहेगा, या तो वो सिलेक्ट या तो नॉट सिलेक्ट। जब कंडीशन रहेगा तो इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो अब हम इसी फॉर्मूले में यहां पे इक्वल टू के बाद इफ को लगाते हैं और टाइम ले लेते हैं, फिर से एक ब्रैकेट इफ और ब्रैकेट लेके फिर इस यदि ये फॉर्मूला चले, स्टेटमेंट ट्रू हो तो कॉमा डबल कोट के अंदर मैं चाहता हूं सिलेक्टेड लिखूं, सिलेक्टेड अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो नॉट सिलेक्टेड, ये मुझे लिखे तो एंटर प्रेस करता हूं तो सिलेक्टेड, पहले ये दिखा रहा था ट्रू, अभी वो दिखा रहा सिलेक्टेड। ट्रू इसलिए दिखा रहा था क्योंकि और फॉर्मूला इन दो स्टेटमेंट को मैच कर रहा है और मैच करने के बाद वो बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। B2 में 18 प्लस है और या C2 में 840 या उससे ऊपर में है, क्योंकि इस सेल पे वेट 40 या उससे ऊपर में है, एज अंडर 16 है, मतलब 19 के 18 के नीचे है। ये वाला सेल तो मैच नहीं कर रहा, मगर ये वाला सेल मैच करने की वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू बोल रहा है। अगर इफ ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो सिलेक्ट दिखाओ, इफ ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो नॉट सिलेक्टेड दिखाओ, तो यहां सिलेक्टेड आ गया। ठीक है, चलिए ये भी मैंने इसी तरह से बनाया और इसको ड्रैग हम अगर करते हैं तो देखें यहां पे नॉट सिलेक्टेड आ गया, क्योंकि यहां 14 और 32 ना उसका एज मैच कर रहा है 18 से ऊपर या 18, ना उसका वेट मैच कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नॉट सिलेक्टेड हो गया। चलो कोई और, चलो ठीक है। ऑनलाइन क्लास के लिए एक टाइम लिमिट करते हैं, नहीं तो बार बार आना जाना करते रहने से फिर प्रॉब्लम होगा, बार बार मुझे चेक करते रहना पड़ता है। तो एक लिमिट में सब लोग ऐड हो जाएं और क्लास को आराम से देखें और इसको प्रैक्टिस करना। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एंड फंक्शन का काम क्या है। एंड फंक्शन का काम, एंड मतलब ये और ये दोनों कंडीशन को वो मैच करना होगा। दोनों कंडीशन को अगर वो मैच करता है तब वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब क्या बोलना चाहता है, अंडर 19 एज और 40 किलो वेट उसका होना चाहिए। सपोज किसी एक गेम में एज लिमिट दे दिया कि अंडर 19 ही सिलेक्ट होगा, या तो उसका उम्र 19 या उससे नीचे हो और उसका ए जो वेट है वो भी 40 या उससे नीचे हो। 40 से नीचे वाला, 40 या उससे नीचे वाला, 19 से या उससे नीचे वाला एज, वेट 40 या उससे नीचे वाले का, सपोज कोई कुछ चैंपियनशिप चल रहा है और उसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो सिंगल एंड को मैं आपको दिखाता हूं कैसे काम करता है। एंड एंड वही सेम और का ही तरह काम करता है, जस्ट वो दोनों सेल को कंपेयर करेगा और दोनों में ही मैचिंग करना होगा। और का काम था एक मैच कर गया तो ट्रू दिखाए, मगर एंड दोनों को मैच करेगा तभी ट्रू दिखाएगा। चलो देखते हैं, इक्वल टू एंड लॉजिकल वन, मैं बोला चलो ये क्या करना है, अंडर 19 एज दिया गया तो लेस देन इक्वल टू 19, क्योंकि एज 19 हो या उससे कम हो, कॉमा सी टू सेल में सर्च करे और उसका लेस देन इक्वल टू 40 दे तो वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू क्योंकि यहाँ एज भी 16, वेट 14, 40 हो गया। अगर इसको मैं 45 करता हूँ तो क्या होता है, वो फॉल्स हो जाता है। एज तो मैच कर रहा है मगर वेट मैच नहीं कर रहा है, तो एक कंडीशन मैच करने से नहीं होगा, इसमें दोनों कंडीशन ही मैच करना होगा तभी वो ट्रू दिखाएगा। चलो अब ये ट्रू और फॉल्स की जगह मुझे मैसेज डिस्प्ले करना, सेम एज इट इज वही इफ स्टेटमेंट लगा दो, इफ दे दो और लास्ट में आओ, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है कॉमा तो आप मुझे सिलेक्टेड दिखाओ,
नहीं तो हम देखे डबल कोट के अंदर नॉट सिलेक्टेड ये लिखा और ब्रैकेट को बंद करो, तो यहाँ आ गया सिलेक्टेड। सेम वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया हुआ। अब इसको ड्रैग करते हैं देखें, तो देखिए यहाँ दो स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो कंडीशन क्या था कि या इसका तो ओवरवेट हो गया और इसका एज भी 21 हो गया। यहाँ देखते हैं इन दोनों कंडीशन में वो 45 इसका वेट है और एज 25 हो गया, दोनों ही कंडीशन मैच नहीं कर रहे। चलो इसमें से मैं एक को मैच करके दिखा देता हूँ, इसका एज तो मिल जाए 18 हो मगर वेट उसका 42 हो, फिर वो नॉट सिलेक्टेड। जब ये 40 से नीचे या 40 लगाएगा तभी वो सिलेक्टेड होगा, तभी वो सिलेक्टेड होगा। इस तरह का कंडीशन के लिए हम लोग इफ और एंड फंक्शन का यूज करते हैं। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे मैं एक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूं ताकि इसको और देखने में सुंदर लगे। ये है कि इन सारे सेल को सिलेक्ट करता हूं और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूं और मैनेज रूल में जाते हुए न्यू रूल क्लिक करता हूं और फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट वहां क्लिक करते हैं। ये सेल वैल्यू के जगह में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएं और स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखें, स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इस बॉक्स पर आके आप एक मैसेज लिखें सिलेक्टेड। जैसा सिलेक्टेड यहाँ लिखे हो वैसा ही लिखना होगा, स्पेलिंग एरर नहीं हो सकता। अगर वो स्पेलिंग एरर हो गया वो मैसेज वो जो दिखाना चाहता है वो नहीं दिखेगा। फिर फॉर्मेट में जाए, अगर सिलेक्टेड होता है तो ये जो फील कलर है उसका सेल का फील कलर ग्रीन हो जाए, फील कलर ग्रीन हो जाए। ओके मैं और एक करता हूं, अगर सिलेक्ट नहीं होता है न्यू रूल, फिर से एक न्यू रूल लेता हूं और यहां लेता हूं और स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाता हूं, अगर वो नॉट सिलेक्टेड होता है एनओटी नॉट सिलेक्टेड तो फॉर्मेट वो रेड हो जाए, फिर वो रेड हो जाए। ये दो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कलर और मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देना। देख जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुका है उसका सेल ग्रीन हो चुका है और जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ है नॉट सिलेक्टेड है उनका सेल है वो रेड हो चुका है। तो होप इफ और एंड साथ में कंडीशन फॉर्मेटिंग आप सभी को समझ में आ गया। किसी को अगर कुछ पूछना है तो अब क्वेश्चन कर सकता है, क्या बात की बात खुदी बोला से खुदी बा पर अकुन बा जी बुझी पुआ ना नो। তো ঠিক আছে, আজি ক্লাস তেতিয়া হলে মই এন্ড কৰিম, কিয় মানে আজি ষ্টুডেণ্টো কমকে আহিছে, মোৰ অলপ পাৰ্সনেল কাম কাৰণে অলপ আধা ঘণ্টা লেট আহিলোঁ, ষ্টুডেণ্টবিলাকো সব গোটেইবিলাক অহা নাছিলে। তো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা টাইমিংটো চেম থাকিব, তোমালোকে এভৰি চানডে যোনে যোনে শিকিব বিচাৰা তোমালোকে অনলাইন আহি যাবা, বাকী এই ৰিলেটেড ক্লাছবিলাক ক্লাছতো তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজোৱা যাব। অ'কে দেন।